राधा कृष्ण में यूं तो हर एक त्यौहार होता है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल, काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड, लेकिन जब से इस शो की शुरुआत हुई है तब से आपने अब तक लेकर के जन्माष्टमियों का बड़ा ही खूबसूरत सा सेलिब्रेशन तो यकीनन देखा होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हर साल आने वाली जन्माष्टमी की, जिसे स्वास्तिक प्रोडक्शन बड़े ही मन से बड़े ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो इस बार की जन्माष्टमी कैसे होने वाली है, हर बार की जन्माष्टमी से ज़्यादा खास, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से उसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब बात करते हैं इस शो की सबसे पहली जन्माष्टमी की, जो कि सेलिब्रेट की गई थी 2019 में। इसमें आपने देखा कि कैसे श्री कृष्ण बालपन से किशोर अवस्था में पहुंचे थे और वहां पर मटकी फोड़ कर दही हांडी का ये जश्न उन्होंने अपने ग्वाल और अपने बाल दोस्तों के साथ मनाया था। उसके बाद साल 2020 में स्वास्तिक प्रोडक्शन के शो राधा कृष्ण में जो जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया गया था, उसमें आपने देखा कि कैसे श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर हमारी प्यारी राधा रानी ने अपने हाथों से खीर बनाई और अपने कान्हा को अपने हाथों से खिलाई और साथ में झूला भी झुलाया, और कृष्ण के कहने पर राधा ने उन्हें बांसुरी बजाकर भी सुनाई थी, जिससे ये दृश्य और भी ज़्यादा खास और भी ज़्यादा भव्य हो गया था। और इसीलिए जन्माष्टमी का ये त्यौहार साल 2020 का रहा था सबसे ज़्यादा खास। अब बात करते हैं साल 2021 की आने वाली जन्माष्टमी की। तो क्या आप जानते हैं कि इस शो में होने वाली है श्री कृष्ण और राधा की ये जन्माष्टमी अंतिम जन्माष्टमी, और साथ में ये उत्सव द्वारका में होने वाला है आखिरी। तो इसीलिए ये शो में ये खास जन्माष्टमी बनना तो जाहिर सी बात है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि श्री कृष्ण राधा रानी की एक ऐसी खूबसूरत अंतिम इच्छा पूर्ण करने वाले हैं, जो कि ब्रह्मांड में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अद्भुत दृश्य बनाने वाली है। यहाँ कृष्ण राधा के कहने पर मटकी फोड़ेंगे और अंतिम बार अपनी प्यारी राधा के साथ कुछ सुख के पल बिताते हुए नजर आएंगे। और शो मेकर्स ने इस जन्माष्टमी को और भी ज़्यादा स्पेशल और भी ज़्यादा यादगार बनाने के लिए किए हैं काफ़ी ज़्यादा खास इंतज़ाम, जो कि आप देखेंगे सोमवार के टेलीकास्ट होने वाले एपिसोड में, जिसकी एक्साइटमेंट हमें तो अभी से सोने नहीं दे रही है। पर आप कितने एक्साइटेड हैं जन्माष्टमी के एपिसोड को लेकर, अपनी अपनी राय कॉमेंट ज़रूर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल सीरियल सियापा को ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें।